नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए कवरेज में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट जिला दरभंगा से सामने दृश्य देख सकते हैं। आपको बता दें, उत्तरी लेकर बेटा पहुंच चुका है अस्पताल, जिसके पिता का कोरोना से मृत्यु हो गया। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर विभाग में वो थे इनके पिता, और खासकर ये हायाघाट प्रखंड के परमा पंचायत के रहने वाले हैं। ये जांच कराने इसलिए पहुंचे हैं कि पिता पॉजिटिव थे, वो उनका देहांत हो चुका है और हम पॉजिटिव है या निगेटिव इसकी जांच करा लें, उसके बाद हमारा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। ये बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव होकर भी छुपाते हैं, जैसे कि हायाघाट में सामने एक यहाँ पर एक मैसेज आया था, एक समाचार आया था कि हायाघाट BDO CO को घंटों लग गया एक बुजुर्ग को खोजने में जो पॉजिटिव थी। ऐसे में ये बड़ा अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि आप खुद से जाँच कराने के लिए पहुँचे। लेकिन एक बात ये बता सकते हैं, सामने जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं, ये भी स्वास्थ्य केंद्र का ही दृश्य है। एक तरफ लोग पॉजिटिव अपना जांच कराने के लिए आ रहे हैं और दूसरे तरफ लोग कोरोना को भूल गए हैं, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कोरोना काल चल रहा है। सबसे बड़ी बात बता दें, चिंता का सबब है कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। खासकर हायाघाट की बात करें तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, लोग काफ़ी परेशान हैं हायाघाट में। लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, लोगों को अपने आसपास में पॉजिटिव माहौल बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो व्यवस्था बनी हुई है उसको संभालने की जरूरत है और मास्क पहनने की जरूरत है। घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस बीमारी को समझें, शादी का जो समारोह हो रहा है उससे बचें। बहुत भयावह स्थिति चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए भारत उदय समाचार। इस कोरोना काल के काल में हम सड़क पर हैं, आप घर पर हैं, देखिए पूरा समाचार। जो वस्त्र धारण किया है ये कर्ता का है, क्या हुआ था आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे पापा जी एग्रीकल्चर विभाग में जॉब करते थे। जोर से बोलिए। हाँ, मेरे एग्रीकल्चर विभाग में जॉब करते थे, वो उनको तबीयत खराब हो, तबीयत खराब होने के बाद उनको जांच करवाया, जांच करवाने के बाद पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद मुझे दवा ववा खा रहे, डॉक्टर साहब बोले दवा खा रहे हैं। उसके बाद अपना स्वेच्छा से जो है हम अपना जाँच करवा लें, जो हमें क्या है दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है तो क्वारंटाइन हो जाएगा, दवा खाएंगे आराम से सुरक्षित हो जाएंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना शंका दूर कर रहे हैं बस, इसके लिए हमने। कहाँ घर है आपको? मेरा पौड़ा में। तो आपके पापा को मतलब क्या मतलब पॉजिटिव थे तो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और कैसे कहाँ? DMCH में। वहाँ पर इलाज हुआ था अच्छे से उनका? जी हाँ, इलाज हुआ। इलाज होने के कारण क्या उनको क्या कमी थी उनकी, मतलब जो मौत हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल कम था या क्या दिक्कत क्या था? कुछ दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ वो एक्सपायर कर गया। जांच के कितने दिन के बाद वो मतलब गुजर गए? जांच 24 घंटा के अंदर में गुजर गए। तो घर में पहले से बीमार थे क्या वो? नहीं, पहले से कोई ड्यूटी आवर में थे, ड्यूटी आवर में उनको लेके आए, लेके उनको तबियत गड़बड़ाया, तबियत गड़बड़ाने के बाद हमने DMCH में भर्ती किए, पर उसके बाद पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव करने के बाद 24 घंटा के अंदर में पाया। अभी आपको कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी, अपना सुरक्षा से हम अपने लग रहा है कि मतलब जांच कराना। जी जी, जाँच करवा लेते हैं सुरक्षा से, जो घर परिवार भी मेरा सुरक्षित रहे। अगर निगेटिव हो जाता है तो घर परिवार भी मेरा सुरक्षित रहे, अगर पॉजिटिव हो जाता है तो क्वारंटाइन हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रोशन कुमार। पापा का? बसंत राम। घर? पौड़ा।